नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करेंगे अब बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश में दशहरा मनाने की अपनी अलग अलग परंपरा है। पूरे देश में जब रावण के पुतले का दहन करते हैं तो वहीं विदिशा जिले के नटेरन तहसील के रावण गाँव में रावण के मंदिर में विशेष अनुष्ठान और रावण की पूजन होती है। ग्रामीण द्वारा मंदिर प्रांगण जहां भंडारे का आयोजन किया जाता है और दूर दूर से लोग रावण की पूजन करने आते हैं। वहीं मंदिर पुजारी के अनुसार ग्राम में शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले रावण की पूजन की जाती है। यदि ऐसा नहीं करते तो कोई भी अनहोनी घटती है। यदि गांव में कोई नया वाहन खरीदता है तो सबसे पहले रावण की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करता है। मंदिर के सामने बने तालाब में एक बड़ा पत्थर गड़ा हुआ है जिसको रावण की तलवार माना जाता है। तालाब की मिट्टी को शरीर पर लगाने से चर्म रोग दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। ग्रामवासी रावण को ग्राम देवता के रूप में पूजा करते हैं। यहाँ मंदिर जो हम नया ये रीपर लेकर आए हैं, इसका प्रसाद चढ़ाने के लिए आए थे। कौन सी जगह है ये? रावण बाबा का मंदिर है और ग्राम रावण है। तो धार्मिक आयोजन और कोई भी नए वाहन खरीदते हैं? हाँ, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, इनकी पूजा के बगैर वो सफल नहीं होता। कोई वाहन लाए या कोई धार्मिक आयोजन हो, शादी विवाह हो, भंडारा हो, इनकी पूजा प्रथम पूज्य है रावण बाबा रावण। यहाँ मंदिर जो हम नया ये रीपर लेकर आए हैं, ये ग्राम रावण है, पंचायत रावण आती है। ये मंदिर प्रांगण रावण बाबा के प्रांगण में अपन जो खड़े हुए हैं अभी। यहाँ पर जो प्रतिमा है, जो मंदिर है, किसका है? ये भगवान लंकेश रावण बाबा की मूर्ति यहाँ पे है, विस्थापित है। और ये उनका तालाब है यहाँ पे, ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ ग्राम रावण में रावण बाबा की पूजा होती है। हम लोग जो भी वाहन और मांगलिक कार्य, शादी विवाह, जो भी आयोजन होते हैं, सर्वप्रथम हम रावण बाबा को ग्राम देवता के उसमें पूजन करके और उसके बाद पश्चात दूसरा काम हम लोग करते हैं। नया वाहन खरीद के लाते हैं। अभी आप दिखा रहे हैं नया वाहन जो हमारे यहाँ आया, तो नए वाहन में भी यहाँ पे पहले रावण बाबा के पूजन होती है, इसके बाद प्रवेश होता है। जैसे सुना है कि कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते के पहले इनकी पूजन नहीं करते, क्या हो रहा था? इन लोगों का कहना है, सुना भी है कि जैसे मान लो अगर जैसे रावण बाबा के यहाँ पूजा नहीं होती तो तेल का कड़ाई जो होती है कितनी। ग्राम रावण का निवासी हूँ मैं और हम अभी यहाँ पर प्राचीन जो हमारा गांव का प्रसिद्ध स्थल है रावण बाबा मंदिर, वहाँ पर हम खड़े हैं सब लोग। आज दशहरे का पर्व है और यहाँ पर बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है, पूजन पाठ चल रहा है, तो क्या मान्यता है थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे तो पूरे भारत में शायद मैं समझता हूँ काफ़ी सालों से मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो चुका है कि रावण बाबा का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अनादिकाल से यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ये ग्राम देवता भी हमारे कुल देवता भी हैं और पूरे गांव में ऐसी मान्यता है, बुज़ुर्गों के माध्यम से और भी हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर रावण बाबा का एक विशेष स्थल यहीं पर है पूरे देश में। और दशहरे के दिन हम लोग जो है यहां पर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूजन अर्चन तो हमारे यहाँ होता ही है साल भर, लेकिन दशहरे पर हम खास तौर से जब पूरे देश में एक तरफ बुराई का प्रतीक मानकर रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहाँ हम उसके विपरीत रावण बाबा का विशेष करते हैं, अभिषेक करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के इछावर विकासखंड के देवाड़िया दौरे पर रहे, जहां वे भाजपा उम्मीदवार करण सिंह वर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र भी सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि झूठ पत्र कांग्रेस लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने मेरी सभी योजना बंद कर दी थी। कांग्रेस जनता का भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए आगे यह भी कहा कि लाडली बहनों, यदि कमलनाथ की सरकार आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहन रहेगी। हेलो हेलो, मेरे भाई, हेलो, आज सभा में, हेलो, जनता के विश्वास की हमारी अपनी ताकत से धान भले ही चली जाए। अरे ये जेनी सुदेश की विश्वास को मैं कहूँ, सुदेश के ऊपर का नहीं, सरकार में परिवार चलाए और परिवार की तरह जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं।
लेकिन कांग्रेस मेरे सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अब ये झूठ महा झूठ पत्र लेके आए, अब फिर एक और महा झूठ पत्र आ गया होगा। ये भ्रम फैलाने वाले लोग जिनकी सब योजनाएं मेरी बंद कर दी थी, जनता का भला नहीं कर सकते। जनता का भला करेगी तो कांग्रेस नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी सरकार। रतलाम में विधानसभा चुनाव 2023 के चलते लगातार सड़क मार्ग की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। रतलाम जिले के राजस्थान सीमा से लगे दानापुर में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप से 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने जब्त हुए हैं। यह गोल्ड ज्वेलरी रतलाम से कोटा ले जाई जा रही थी, जो कि रतलाम के डीपी ज्वेलर से सप्लाई हुए थे। ताजुब की बात है कि रतलाम पुलिस व जिला प्रशासन की चुनावी टीम भी इन्हें रोक नहीं पाई और यह बेधड़क राजस्थान सीमा में प्रवेश कर गया। जानकारी के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर में बारीघाटा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान बोलेरो क्रमांक MP9GH6622 का रोका गया। वाहन के पीछे लगे दरवाजे पर सील पैक ताला लगा हुआ था। जब इसे खोला गया तो इससे सोने चांदी की ज्वेलरी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। पुलिस ने गहने मिलने वाले वाहन को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 18 किलो सोना और 50 किलो चांदी के आभूषण पाए गए हैं, जिसकी लागत करीब 14 करोड़ रुपए आंकी गई है। पकड़े गए लोगों के पास ज्वेलरी से जुड़े किसी प्रकार के दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस ने आभूषण सहित वाहन जब्त कर GST व आयकर विभाग को मामला सौंप दिया है। प्रदेश हाईकमान के द्वारा कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही विरोध के सुर बजने लगे हैं। रतलाम शहर और जावरा में घोषित कांग्रेस प्रत्याशी के पुतले दहन की गए तो वहीं रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी का भारी विरोध हो रहा है। रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर के विरोध में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि वर्षों से जो कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनमें से प्रत्याशी को नहीं चुना बल्कि किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देना उचित नहीं है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता हाईकमान को एक अवसर और दे रहे हैं, या तो वो टिकट का बदलाव करें, अन्यथा सभी स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता एक जाजमान पर बैठकर चर्चा करेंगे कि अगली रणनीति क्या हो। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता माहू रोड पर एकजुट हुए और पुतला दहन किया। वहीं रतलाम शहर में परसा सकलेचा का अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। हमारा विरोध लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बाहर का आदमी कर्मचारी रहा है, उसका नाम कैसे जाता है? या तो संगठन ने भी नहीं दिया जो संगठन बता रहा है, और सर्वे में किसी अधिकारी का नाम कैसे आएगा? यहाँ इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो 10-10-20 सालों से झंडा उठा रहे हैं। मैं खुद भी इस संस्था में 5-10 साल काम करी हूँ, कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं ऐसे लोगों का नाम आता है तो जिन्होंने मेहनत की है वो क्या करेंगे? वो पेटलावाद का रहने वाला आदमी और यहाँ आके अगर पार्टी गाइडलाइन तय करती है कि जो स्थानीय है या स्थानीय लोगों से विचार करके टिकट दिया जाएगा, तो ना तो विचार हुआ ना कुछ हुआ। आप किसी को भी लाके खड़े कर देंगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं जाके पेटलावाद में टिकट मांगूंगी तो मुझे कौन पूछेगा वहाँ? सीधी सी बात है कि जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम इतने लोग हैं, इतनी मेहनत की है हमने आक्रोश यात्रा में, नारी सम्मान में। हमारा विरोध ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने जब पहले कहा था कि हम बाहर व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं थोपेंगे, स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाएंगे, तो बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, इसलिए रतलाम ग्रामीण की सभी जनता सड़क पे उतर रही है और सब जनता विरोध कर रही है। रतलाम ग्रामीण के सभी मतदाताओं में विरोध है। टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या आगे देखें? नहीं बदला जाता है तो हमारे रतलाम ग्रामीण फैसला कर लेंगे, उनको फैसला करना आता है।
फैसला करेंगे निर्दलीय को या अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या खुद खड़ा होंगे, क्या कितनी बात बोला आप सब स्थानीय बैठ के? हम सब लोग इकट्ठे होके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। पहली बात तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे हाई कमान टिकट बदले और रतलाम ग्रामीण के किसी भी उम्मीदवार को टिकट दे दे, हम लोग सब साथ में है। अगर टिकट नहीं बदला गया है तो हम सब लोग बैठ के विचार करेंगे। पर लक्ष्मण सिंह डिंडोर, ब्रजपुर थाना अंतर्गत ग्राम दमचुआ में प्रेम विवाह करना युवक और युवती को भारी पड़ गया। बता दें कि लव मैरिज करने की वजह से रंजिश बनाए हुए लड़की पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर घायल और उनके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र सौंपा और आवेदन में उल्लेख किया कि संगीत सिल ने गांव के ही सुख रंजन सिल के साथ वर्ष 2018 में लव मैरिज की थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने नाता तोड़ दिया था। वहीं गांव में दुर्गा पूजा के दौरान लड़की की मां उसे घर ले गई और बोली कि अब बहुत साल हो गए, बैठकर मामले को सुलझाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद मारपीट शुरू कर दी। बचाने गए पति के साथ भी उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। विवाद ये था कि सर ये लोग वहाँ गए थे मई की अपनी, तो हम लोग चले, लड़ाई हुआ तो लेने गए इनको कि चलो जो हो गया सो हो गया, तो लोग पहले से लाठी डंडा लेकर तैयार थे हम लोगों को मारने के लिए। तो मारपीट की आपके साथ? हम लोगों के साथ मारपीट की है। किस चीज से मारपीट की है? डंडों से, डंडे पत्थर लिए तैयार थे वो लोग पहले से। किस चीज का विवाद था, क्या कोई विवाद था, क्या कह सकते हैं? विवाद इनकी शादी की थी, इनकी शादी की विवाद थी, तो हम लोग चलो जो हो गया सो हो गया, लेने जाते हैं ले आते हैं इनको, तो ये हमारे साले थे, मेरे साले लगते हैं वो। सर मेरे 5 साल पहले शादी हुई थी घर वालों के विरोध, और घर वालों ने बोला कि तुम जाओ शादी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो 5 साल बाद कल हम लोग नौ दुर्गा में गए थे पूजा के वहाँ, तो वहाँ पे मम्मी मिली, तो मम्मी मुझे लेके गई है घर कि चलो घर सब ठीक हो जाएगा। तो मैं चली गई मम्मी के साथ घर, अब कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे ससुराल वालों के कोई नहीं था, तो मैं चली गई। तो जाके मेरे मम्मी ने पापा ने मुझे घर में दरवाज़ा बंद करके मारा पीटा। उसके बाद मेरे पति गए, उनको जब पता चला कि मैं मायके चली आई हूँ, तो मेरे पति गए हैं, तो उनको जाते ही एक थप्पड़ मार दिया। फिर मैं अंदर से निकल के आई, तो मैंने बोला कि क्यों मारे हो मेरे पति को, मेरे पति ने क्या किया? तो कुछ नहीं बोला, फिर मारा, फिर डंडा पत्थर उठा के फिर सब लोगों को मारा, भांजे लोग आए, भैया लोग आए, देखिए ना सबको घायल कर दिया। कितने लोग घायल हुए आपको? आप 6 लोग घायल हुए, लेडीज के ऊपर भी हाथ उठाया उन लोग। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आलूट पहुंचे, जहां सर्वप्रथम कैलाश विजयवर्गीय ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोज जियानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में शामिल हुए। विकास के कार्यों की बात मंच के माध्यम से साझा की। वहीं पूर्व सांसद एवं आलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि चिंतामणि मालवीय ने कहा कि मैं 2 फोन हाथ में रखकर जनता की समस्या का समाधान करता हूं। वहीं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आलोट के स्थानीय उम्मीदवार की मां भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन पार्टी ने डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि जो समय रहते फोन उठा ले वह आपका स्थानीय उम्मीदवार के बराबर है, मैं वही पिछले 10 वर्षों से आपसे जुड़ा हुआ हूं, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको मैं पीड़ा पहुंचाई हो। भाजपा कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आप चिंतामणि मालवीय को चुनाव जिता दें, विकास की गारंटी पक्की है। बिल्कुल मुझे तो कहीं बिखराव नहीं दिखा और सब कार्यकर्ता लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा सा कभी कभी नाराज हो सकता है, नाराजगी अपनी दिखा सकता है, पर पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता। इसलिए हमें विश्वास है कि सारे प्रदेश में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है सरकार बनाने का, वही मुझे आलोट में दिखाई दे रहा है, और हम 2/3 बहुमत से प्रदेश में भी जीतेंगे और आलोट की सीट भी हज़ारों से जीतेंगे। और
मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के खनियान थाना में हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर जिस रावण के पुतले का दहन होता है, उस रावण के पुतले का निर्माण एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया जाता है। पिछले 42 सालों से यह मुस्लिम परिवार खनियान थाना में रावण के पुतले का निर्माण करता चला आ रहा है। वही खनियान थाना के हाई स्कूल मैदान में हर साल दशहरा उत्सव का आयोजन बजरंग रामलीला समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें रावण के पुतले का निर्माण मुस्लिम परिवार करता है। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल के तौर पर इस रावण के पुतले को लेकर मुस्लिम परिवार भी उत्साह से इस पुतले को बनाता है और पुतले के निर्माण में इस मुस्लिम परिवार को 10 से 15 दिन लगते हैं। दशहरे पर इस बार जिस पुतले का दहन किया जाएगा और उस पुतले का निर्माण मुस्लिम परिवार ने पूरा कर लिया है। रावण के पुतले का निर्माण करने वाले हाजी मिस्टर खान और उनके पुत्र अनवर खान ने बताया कि उनका पूरा परिवार के साथ दुकान स्टाफ रावण के पुतले का निर्माण करता है और उनके उस्ताद हाजी मिस्टर खान के नेतृत्व में इस रावण के पुतले का निर्माण किया जाता है। वह कई सालों से इसका निर्माण करते हुए चले आ रहे हैं। हाजी मिस्टर खान के वृद्ध होने से अब उनके पुत्र अनवर खान के साथ दुकान स्टाफ रावण के पुतले का निर्माण करते हैं और वृद्ध पिताजी हाजी मिस्टर खान भी साथ उनको हाथ बटाते हैं और रावण के पुतले का निर्माण करते हैं। मैं 40-42 साल है साहब और मुझे रावण तो एक ऐसे अपने गांव की प्रथा चली आ रही है साहब और हमारे खुद हम उसमें अध्यक्ष बनते हैं और बनते चले आ रहे हैं। अब आँखों से ज़रा कमज़ोर हो गए हम तो अब पाठ आठ तो कर नहीं पाते हैं, तो जो बच्चों को बता देते हैं जो खड़े हैं दोनों तीनों बच्चे उनको बता देते हैं, उसे जो बनाया करते हैं है, गाँव की शान है। हमारे इलाके में वो कहीं नहीं जलता है, या सिर्फ सीपरी में जलता है क्या खनिया दाने में जलता है। अब देखते हो मांग रहती है साहब, नवदुर्गाएँ निकलती हैं और हमारा दशहरा भी निकलता है साहब, उस हिसाब से बनाते जाते हैं। अब तो हमें साहब और टाइम नहीं मिलता है ना, हमारे कोई ऐसे बच्चे रहा और सीखने वाले हो जाए, हम तो दो दो तीन तीन बनाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात जारी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में भोपाल जिले की बाकी 4 सीटों पर भी नाम घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। ताजा सूची के मुताबिक भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा के नाम पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं गोविंदपुरा से रविन्द्र साहू को मैदान में उतारा है। हुजूर से नरेश ज्ञानचंद को पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है। वहीं इसके अलावा भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ अकील के आधिकारिक के तौर पर उनके बेटे आतिफ अकील चुनाव मैदान में होंगे। वहीं हुजूर विधानसभा के कांग्रेस की टिकट के लिए 2 लोग दावेदारी कर रहे थे, नरेश ज्ञानचंद और विष्णु विश्वकर्मा, मगर कांग्रेस ने विश्वकर्मा की जगह ज्ञान चंदानी को पार्टी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिसको लेकर अब हुजूर से प्रत्याशी बदलने की मांग तेज हो गई है। विष्णु समर्थक कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में कन्या भोजन के नाम पर 2 दिन पहले अगवा हुई 2 छोटी बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी पर छापा मारा, जहां एक घर में मौजूद 5 लोगों के चंगुल में यह दोनों बच्चियां पाई गई है। पुलिस ने यहां दबिश देकर 3 महिलाओं समेत 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। इन 5ों ने बच्चियों की पहचान छुपाने के लिए इनके बाल काटकर उनका सर मुंडा दिया था और दोनों को 2 दिन से एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। यह 5ों हरियाणा और केरल के रहने वाले हैं और इसी गैंग ने भोपाल में इस वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरी गैंग की सरगना 32 साल की अर्चना है, जो हरियाणा की रहने वाली है। अर्चना अपने पति निशांत के साथ भोपाल के इस मकान में करीब 6 महीने से किराए पर रह रही थी। अर्चना के साथ उसकी बहन मुस्कान भी रहती थी, जो इस पूरी घटना में शामिल थी। इसके अलावा इसी इलाके में रहने वाला एक अन्य परिवार, जिसमें 2 सगे बहन भाई सूरज और 16 साल की अक्षरा को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक की पूछताछ में अपहरण की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि बच्चियों को बेचने के लिए घटना को अंजाम दिया गया था। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये 2 बच्चियां जो हैं कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब हुई थी। इनके परिवार के लोगों ने बताया कि कन्या खिलाने के नाम पर 2 महिलाएं आई थी और इनको वो अपने साथ ले गई और फिर उन्होंने बच्चों को वापस नहीं किया, जिसमें उस दिन से ही थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर लगी हुई थी और फुटेज कलेक्शन में और तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे थे। उसी तत्वाधान में आज कुछ फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इन लोगों को ट्रेस करना शुरू किया और
उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम लोग की टीम ने दो तीन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रेड करके कंफर्म करने की कोशिश की कि बच्चों की लोकेशन और जो उनके साथ दो महिलाएं दिखी हैं फुटेज में, वो उनकी वेयर अबाउट्स और उनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता लगे। इसी संबंध में अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम ने कोलार के इंग्लिश विला करके एक वो है सोसाइटी है, जहाँ पर एक घर में ये लोकेशन में इनको इनको बच्चों को जो है वहाँ पर लोकेट किया है। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने आज सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेशन सुरक्षित तरीके से मनाने का संदेश दिया। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के विजिलेंस अधिकारियों के आगे पेश होने की चर्चाओं से बाजार सारा दिन गर्म रहा, परंतु इन चर्चाओं को उस समय विराम लग गया जब पूर्व वित्त मंत्री सिंह बादल के वकील सुखदीप सिंह विजिलेंस अधिकारियों के पास पहुंचे। विवाद प्लाट खरीदने मामले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर चर्चा दर्ज किया जाने के बाद, अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आज विजिलेंस ने दोबारा संबंध भेजकर वापस फिर से पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को तलब किया गया था, परंतु आज मनप्रीत सिंह बादल द्वारा अपने वकील द्वारा विजिलेंस अधिकारियों को मेडिकल भेजा गया और 10 दिन की मोहलत मांगी गई। जानकारी देते हुए पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के वकील ने बताया कि उनके द्वारा आज मनप्रीत सिंह बादल का पासपोर्ट विजिलेंस अधिकारियों को जमा करवा दिया गया है। इसके अलावा पेश होने के लिए मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया है, क्योंकि उनकी पीठ में दर्द है और उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। अगर फिर भी विजिलेंस द्वारा उनको पेश होने के लिए दबाव डाला गया तो मनप्रीत सिंह बादल को एम्बुलेंस द्वारा विजिलेंस के दफ्तर लेकर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मनप्रीत सिंह बादल का मेडिकल विजिलेंस अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें डॉक्टरों द्वारा उसको रेस्ट करने के लिए कहा गया है। सीनियर वकील सुखदीप सिंह ने कहा कि वह 10 दिनों के बाद विजिलेंस के आगे पेश हो पाएंगे। गल है जी, अज बुलाया सी और उन्होंने तबीयत ठीक नहीं सी, मतलब ही वाज बेड रिडन, उन्होंने तो चला फिरया नहीं सी जांदा, इस करके उन्होंने आपका पासपोर्ट दे के प्लस उन्होंने आपकी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन दे के मैनू भेजा इतने, असी पासपोर्ट भी देता, एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन भी देती, तो असी उन्होंने रिक्वेस्ट की भी सानू 10-12 दिन की डेट दे दौ, उदों असी आ जाएंगे। ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀ ਜੀ ਆਈ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पति द्वारा किए गए हमले में पत्नी के दोनों हाथ कट गए हैं। जानकारी के मुताबिक पत्नी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि पूरा मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामखेड़ा गांव का है, जहां की रहने वाली महिला की शादी कानपुर के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी के विवाद के चलते पत्नी काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी। देर रात शराब के नशे में धुत पति अपने ससुराल पहुंच गया और घर में सो रही अपनी पत्नी पर गड़ासे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पति द्वारा किए गए हमले से पत्नी के दोनों हाथ जहां पर कट कर लटक गए, वहीं एक हाथ भी कट गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
हमारा बाणवी ने कपिल और हमारी बहन को शिवकला को रामखेड़ा में गड़सा से काट डाला। क्या नाम है आपकी बहन का? और बहन का नाम शिवकला और उसके आदमी का नाम कपिल। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 12 साल हो गए। बच्चे वगैरह भी हैं? 3 बच्चे हैं। पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस पहुंच चुकी, सूचना दी हमको तो गांव के लोग बताए तो हम पहुंचे वहां, नहीं हमको तो पता ही नहीं। ये हमारे पास एक शिवकला नाम की युवती जिनकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष है, PSC भोजपुर से रेफर होकर आई हैं। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पति द्वारा इन पर कोई धारदार हथियार से हमला किया गया जिसके दौरान ये काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हो गई हैं। भर्ती ये थाना सरेनी के रामखेड़ा गाँव की घटना है। शिवकली उर्फ पिंकी पत्नी के कपिल कुमार पुत्र वासुदेव जो मूलतः कानपुर का रहने वाला है, अपनी ससुराल रामखेड़ा आया हुआ था। आज सुबह लगभग 4 बजे पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ है जिसमें पति द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया है और जिसके में पत्नी को गंभीर चोटें आई हुई हैं जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। इन लोगों के परिवार के द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना सर फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। अब मैं आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।